हम अब डॉक्टर साहब से जानते हैं संजीवनी टिप्स के बारे में, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गाय के दूध की खूबियाँ जो बना सकती हैं आपको ज्यादा सेहतमंद। जी डॉक्टर साहब, देखिए गाय का दूध तो बहुत गुणकारी है और हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में बड़ा अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है। बहुत ही इसके अंदर खास तौर पर शारीरिक पोषण के लिए और मस्तिष्क के पोषण के लिए बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए गऊ को माता भी कहा गया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हर वर्ग के लोगों के लिए गाय का दूध अच्छा है। आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है कि भाई जब हम वृद्धावस्था में आते हैं या युवावस्था में आते हैं तो उस समय दूध हमारे को पचता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर जो एंजाइम्स है वो खत्म हो गए। यूरोप वगैरह में इस तरह की डिबेट काफी चल रही है, लेकिन गाय के दूध में वो चीज नहीं हम मानते हैं। गाय का दूध जो है किसी भी वर्ग का व्यक्ति पी सकता है और उसको फायदा पहुंचाएगा। बच्चों के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को माइग्रेन होता है, सिर में दर्द होता है, वो गाय के दूध में थोड़ा सा केसर डाल के पिए तो उनको बहुत लाभ होता है। गाय के दूध में आपको मालूम है कैल्शियम की मात्रा काफी होती है, तो जिन लोगों को हड्डियों की बीमारी है, हड्डियां कमजोर है, वो जरूर दूध पिए। जोड़ों के दर्द जिसमें है वो दूध जरूर पिए, साथ में थोड़ी हल्दी मिला के पिए तो और भी अच्छा है। जो अंदर उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं कि हमारे जो आते हैं आंतों की भी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। वो कई प्रकार के रोग जो आंतों में हो जाते हैं, आंतों का कैंसर तक हो जाता है अगर आप नियमित रूप से दूध पीते हैं, तो कई रोगों को प्रिवेंट भी करता है। इसमें ऐसे कुछ अच्छे तत्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा महिलाओं में जो है मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय कई प्रकार के लक्षण हुआ करते हैं, किसी को दर्द होता है, किसी को चक्कर आ जाते हैं, किसी को जो है बुखार चढ़ जाता है, जब या मासिक धर्म से पहले के जो सिम्टम्स होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स उनको बोलते हैं PMS, ऐसी महिलाओं के लिए भी दूध जो है बहुत फायदा करता है। गाय का दूध वो रेगुलर पिए तो उससे उनको लाभ होगा।